कैन यू बिलीव गाइस कि यार यहाँ पे पहलवान की रेवड़ी सुरमा भी है यार, बादामों का शरबत, बजूरी शरबत बजूरी भी है, इलायची भी है यार वहाँ पे, फेयर एंड लवली वो भी है, फाइजर ब्यूटी क्रीम क्या है। मुझे तकरीबन संभल है, मेरी जिंदगी यही गुजर गई है। कितना अर्सा हो गया? फिर भी हो गया तकरीबन 23 साल। क्योंकि यहाँ एक्चुअली लेबर की सैलरी जो है ना वो पाकिस्तान के वजीर आलम से ज्यादा है। अच्छा यार, आपको मैं गोल गप्पे दिखाने लगा था। तो ये लौंग है तो ये इलायची लौंग इलायची। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का? अस्सलाम वालेकुम। यार मेरे साथ आज अवाबीन, और अवाबीन भाई जो हैं पाकिस्तान से आए हैं साउथ कोरिया में, और इनको आए हुए 2-3 दिन ही हुए हैं यहाँ पे। और अवाबीन कहते हैं कि कोरिया के अंदर इन्होंने अभी, इनको चार चाहिए था और शानदार चाहिए था और काफ़ी चीज़ें, चाय पत्ती वगैरह ना पाकिस्तानी चीज़ें चाहिए थी, तो ये पूछ रहे थे कि क्या कोरिया के अंदर पाकिस्तानी चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं। तो इनको आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ अवाबीन भाई को, कोरिया के अंदर पाकिस्तानी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान जितनी भी आप कह लो स्पाइसेस हैं, आटा चीनी दाल, वो सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल सकती हैं। नेशनल फूड मार्ट के नाम से इतवान के अंदर शॉप है। तो आज आप लोग अंदर हम लोग जाते हैं, और अवाबीन आपको मैं दिखाता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आपको, लाइक कहते हैं ना घर से दूर घर जैसा माहौल, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अंदर जाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी मज़ेदार और कितनी सब गोलगप्पा, इवन गोलगप्पा हो गया, रियो बिस्किट हो गए, रियो बिस्किट खाए ना, रियो बिस्किट यहाँ पे, जीरा बिस्किट हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, और पहलवान की रेवड़ियाँ। अच्छा, पहलवान की रेवड़ियाँ तक भी यहाँ पे हैं। तो खैर अभी चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है ना यहाँ पे आप लोग को नज़र आ जाएगा, और यहाँ के जो ओनर हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो खैर चलो अंदर चलते हैं। ओके यार, अंदर मार्ट के अंदर आप एंटर होते हो तो सबसे पहले दानेदार, दानेदार कौन सी वैसे चाय पीते हो अभी? टपाल दानेदार। टपाल दानेदार की ही है, और अभी PSL चल रहा है और PSL के स्पॉन्सर भी हैं टपाल दानेदार। खैर टपाल दानेदार होगी, लिप्टन भी हो गई, और किधर है स्प्रीम भी है, तो चाय हर तरह की मिल रही है यहाँ पे, छोटे बड़े डब्बे सब कुछ यहाँ पे है। अच्छा, जिंदगी जियो वाइटल भी है यहाँ पे यार, कमाल। और ये है कोरियन कॉफी मैक्सिम, तो इसके अंदर ये नहीं पसंद, पाकिस्तानी चाय का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अच्छा ओके ओके, ये जो चीज़ अभी इस चीज़ ढूंढ रहे था ना, हलीम हो गया। अच्छा ये जो स्पाइसेस हैं, ये है बिरयानी मसाला, सीख कबाब, नेशनल के ये पड़े हैं, नेशनल के हैं ये, क्या चीज़ है नेशनल का? हल्दी है, हल्दी नहीं, कोरिएंडर, कोरिएंडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हो गया साथ में, और क्या गरम मसाला हो गया, नहीं ये तो टर्मरिक है ना, हल्दी पाउडर है, सॉरी। अच्छा और क्या क्या है, धनिया पाउडर है, चिल्ली पाउडर भी है, लज्जत, पाकिस्तान में लज्जत होता है? लज्जत तो खानों में होती है। और लज्जत ब्रांड पाकिस्तान में नहीं है शायद, क्या होता है? पाकिस्तान में बहुत लज्जत है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लोगों में लज्जत है। अच्छा ये चाट मसाला मिक्स है, चाट मसाला ये वो पापड़ियाँ सी हैं उसके अंदर में डाला हुआ है। खैर यार ये देखो यहाँ पे जीरा, जीरा साबित, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, और ये देखो इट्स बीन सो लॉन्ग। अच्छा चने, ये देखो नेशनल के चने, ब्लैक चने, वाइट चने, दाल हो गई, चनों की दाल है, मसूर, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अभी जो आप मेरा फेवरेट सेक्शन है उसको आपको मैं दिखाता हूँ, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। और बाय द वे इस शॉप के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आते, और भी बड़े आए होते हैं लोकल्स, फॉरेनर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आए होते हैं। अब अभी ग्लूको, पीनट्स, क्लिक, कौन सा वाला आपका फेवरेट है? पार्टी बिस्किट, पार्टी बिस्किट नंबर वन, नंबर टू, देयर इज नो नंबर थ्री, पार्टी, पार्टी नंबर वन, ठीक है, रियो ओरियो, ये मैं बहुत खाता हूँ यार, ये भी बहुत मजे के हैं। और हाउ अबाउट नान खताई? यार नान खताई मुझे बहुत, ये तो मैं पाकिस्तान से भी लेके आया था, बड़ी फिट किस्म। हाँ, और अमीर खान आपने दिए भी थे अपने जो है ऑफिस वालों को, तो यार कोरिया के अंदर भी ये लोगों को बहुत पसंद है। ठीक हो गया, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये कैन यू बिलीव गाइस कि यार यहाँ पे पहलवान की रेवड़ी वो भी आप मिल सकती है, असली देसी घी की बनी हुई,
पहलवान रेवड़ी फ्रॉम चकवाल। सो फार जो जितनी भी चीज़ें देखी हैं उसमें से कैसी चीज़ है यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप कोरिया में देख पाओगे उसे? पहलवान की रेवड़ी। पहलवान की रेवड़ी, सेम हेयर। लाइक मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि यार वो चीज़ भी कोरिया में मिल जाएगी। तो इट मीन्स कि ऑलमोस्ट हर चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको नज़र ना आई हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है? लेट्स से प्यार। प्यार है यार, प्यार ही प्यार है कोरिया की हवाओं में। कोई उसके अलावा? प्यार के अलावा चाय की पत्ती भी है, मतलब जो रोजमर्रा की अशिया है। सुरमा भी है यार, ओए कमाल कमाल। ये मैंने पहली दफा ही देखा है यहाँ पे 7 सालों में। ये डेफिनेटली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ एग्जैक्टली यार, वहाँ पे फेयर एंड लवली वो भी है, फाइजर ब्यूटी क्रीम। कैन यू गाइस इमेजिन कि फाइजर ब्यूटी क्रीम भी यहाँ पे 22 31 90 क्या है नंबर है? गोल्डन पर्ल यार, कमाल नंबर बोल रहे हैं। तो अभी आपको मिलाते हैं जो यहाँ पे यहाँ के ओनर हैं। जी सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। जी मेरा नाम है जी मलिक इमरान जी, पाकिस्तान गुजरांवाला से मेरा तल्लुक है। ठीक है, मुझे तकरीबन संभल है, मेरी जिंदगी यही गुजर गई है। कितना अर्सा हो गया? फिर भी हो गए तकरीबन 23 साल। 23 साल में आए थे जी। ठीक है जी, और अब ओके। अच्छा तो अब शादी भी इधर ही की हुई है। अच्छा, और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह, स्कूल में जाता है छोटा, अभी प्ले स्कूल में जा रहा है। और कोरियन भी अभी आपको आती होगी राइट? मुझे थोड़ी सी बोल के दिखा रहे हैं। अपनी सारी बोल के हैं, यही की तो आती है, यही की जिंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। थोड़ा सा कोरियन में कुछ बोल के दिखा रहे हैं। कोरियन में क्या, तुम क्या पूछ रहे हो? योगी सो जंगा भांजी ओलमा ना देसा। योगी सो जंगा महानंगो मैं शिपियन नोमो थे सो। शिपियन ओन देसा यो ई कागे मुन जंजी ओलमा ना देसा यो। शिपियन थे सो। शिपियन 10 इयर्स शिपियन देसा यो। दे बाग तो यार इस शॉप को ओपन हुए 10 साल माशाल्लाह हो गए यहाँ पे। और पाकिस्तान कम्युनिटी काफी ज्यादा है यहाँ पे? नहीं यार, आटे में नमक के बराबर है यहाँ। टोटल में भी 10,000 के करीब है, उसमें भी संभल है 5-6 हज़ार स्टूडेंट है। बाकी जो 4,000 बचता है उसमें से संभल ले कोई 2,000 होगा जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करता है बिजनेस वीजे पे। बाकी 2,000 किसी ने शादी की थी, पासपोर्ट है। उसके अलावा छोड़ के जो यहाँ आते हैं ना लेबर में जॉब करने के लिए फैक्ट्री में, उसमें होंगे तकरीबन 25-30 हज़ार बंदा। हाँ उसमें ही हैं इतने इतने तकरीबन है। लेबर क्लास ज़्यादा है। हाँ लेबर क्लास ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एक्चुअली लेबर की सैलरी जो है ना वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ज़्यादा है। वाकई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म की 2,80,000 है, यहाँ तकरीबन 5 लाख रुपया है। 5 लाख बन जाता है, यहाँ का हर बंदा वज़ीर आज़म है। लेकिन वहाँ सिर्फ तोशा खाना है ना। सच दे दिया पॉलिटिक्स का, पेट्रोल थोड़ा मिल जाता है किसी को घर का बिल गैस का मिल जाता है, क्योंकि मुल्क कर्जे में डूबा है बेचारे, क्या करें। सर इमरान भाई टीवी में भी आए हुए हैं काफी, और बड़ा माशाल्लाह अच्छे इंसान है, अच्छे बंदे हैं। और जैसे मैं कहता था फेयर एंड लवली हो गया, जुशांदा भी वहाँ से आपको मिल जाता है। खैर थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। और पाकिस्तानी जो भी है वो मेरे ख्याल में लाजमी यहाँ पे आए, मैं तो ये कहता हूँ। लाजमी क्या आए, आते हैं, आते ही आते हैं, सलाम करते हैं, शाम को जाते हैं, हमें फिर खुदाफिज करके जाते हैं। जो संभलो कोरिया में आया वो यहाँ लाजमी आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली कोरिया रहा हूँ तो ये चीज लाजमी तो हम उसको बुला ही लेते हैं। अच्छा ये है जी पेड़ी। और एक चीज मैं जो मिस कर गया था वो है गोलगप्पे, तो आपको बस गोलगप्पे दिखा दूं। हाँ गोलगप्पे भी हैं, मैं आपको गोलगप्पे दिखा दूं और फिर जो है यहाँ पे क्लोज करते हैं आज की वीडियो। मैम गोलगप्पे भी है ना यहाँ पे? अच्छा अच्छा यार आपको मैं गोलगप्पे दिखाने लगा था। तो गोलगप्पे हैं जी यहाँ पे, ये पानी पुड़ी के नाम से गोलगप्पे भी पड़े हुए हैं। अच्छा यार यहाँ पे आप लोग देखो तो बादामों का शरबत, बजूरी भी है, इलायची भी है और शरबत अनार भी है। रूह अफजा भी पहले होता था, अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक हुआ होगा, लेकिन खैर रूह अफजा शरबत जो है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। जो कैंड फूड है जिसके अंदर साग हो गया, दाल तड़का, पंजाबी कढ़ाई, चपाते छोले, पनीर टिक्का मसाला, ये इस टाइप की फूड भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। कहाँ पे? उस तरफ पाकिस्तानी गोश्त
हलाल गोश्त है। अच्छा हाँ, यहाँ पे खैर हलाल, क्योंकि हलाल फूड मिलती है तो हलाल फूड के अंदर आपको गोश्त सारा ये इम्पोर्टेड होता है, रान है पूरी ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट की है इन्होंने। और आप पराठे वगैरह भी मिल जाते हैं, पराठे हो गए, रोटी बनी बनाई जो है वो भी यहाँ पे मिल जाते हैं, चिकन, और चिकन भी इम्पोर्टेड नेशनल वालों का चिकन है। और यार जैसे आपको मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपको पराठे भी मिल जाते हैं, पराठे नान रोटियाँ और पराठे, ये एग्जैक्टली ये वाली, अच्छा नान है और शजान, शजान वालों का पड़ा हुआ कुछ नहीं, शजान का नहीं है। अच्छा अभी आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा और, जहाँ पे जाय नमाज, कुछ पाकिस्तानी काफ़ी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनको जाय नमाज जो प्रेयर मैट होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे जाय नमाज भी है। मच्छर, अच्छा और क्या पाकिस्तान का है यहाँ पे अभी, और क्या है पाकिस्तानी, एक और पाकिस्तानी अच्छा एक यार दाल खाइए ना, मूंग दाल है ये रूम में मैं हमेशा रखता हूँ। अच्छा भुजिया, ये पाकिस्तान का नहीं, ये इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया है। अच्छा शान का, ये देखो शान का भी पूरा ब्रांड यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बिरयानी मसाला, चाट मसाला, ये देखो ये लौंग है, तो ये इलायची, लौंग इलायची, खजूरें, छुआरे, अच्छा सब कुछ है यार। तो यार ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इलायची हो गई, इलायची सौंफ, इलायची सौंफ, ये क्या चीज़ है यार, आई थिंक वो है गूंद कतीरा, नहीं होती हाँ गूंद कतीरा यार, ओ माय, गर्मी हो जाएगा आपको तो, जो कि अब अभी होती है यार, ये जो फुलियाँ जो ख़त्म वगैरह होता है तब फुलियाँ बांटते होते हैं हम लोग, नहीं हम जो ख़त्म कर देते हैं ख़त्म कर ये फुलियाँ भी बड़ी पॉपुलर हैं। ठीक है यार, आप लोगों को टूर करवा दिया है, अभी आपने भी सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अभी क्या डिसाइड किया है, क्या खरीदना आपने? यार मेरा ख्याल है कि पहलवान की रेवड़ी जो है ना, दैट वाज वन थिंग आई वाज मिसिंग। अच्छा, और वो पहलवान की रेवड़ी भी यहाँ पे पड़ी है, बल्कि मेरा खुद यार बहुत अरसा हो गया, मुझे 4-5 साल तो हो ही गए हैं मैंने रेवड़ी नहीं खाई, तो आज वाकई हम लोग रेवड़ी बाय करते हैं और रेवड़ी खाएंगे। ठीक है चलो, अब अभी वैसे मजा लगा यहाँ पे इतने अरसे बाद, बहुत अच्छा, कोरिया का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस टाइप की शॉप होगी, नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हर चीज़ अवेलेबल है, सही है। चलें ठीक है गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी बताइएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोरिया के अंदर अबाउट पाकिस्तान और अबाउट इंडिया या किसी भी कंट्री से अगर आप हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लाजमी भाई से पूछें। खैर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और भी टैंक है यहाँ पे, टैंक भी, टैंक भी है, ओ यार वो ये वाला भी है, और अभी रमज़ान आ रहा है तो इसलिए टैंक तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। खैर गाइस टैंक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। खैर दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।